दुर्गा पूजा से रेलवे शुरू करने वाली है पहले एक नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। नमस्कार दोस्तों, रेल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। नई ट्रेनों का लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे की ओर से दुर्गा पूजा से पहले एक नई ट्रेन चलाई जा सकती है और यह एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन होगी। आपको बता दें कि रेल मंत्री से कई ट्रेनों का प्रस्ताव मिला है और ऐसे में उन सभी ट्रेनों का परिचालन तो अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी दौरान राजधानी ट्रेन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि झारखंड के यात्रियों के लिए रांची से बरकाकाना होते हुए एक नई राजधानी ट्रेन चलाई जाएगी और यह ट्रेन अब रांची टोड़ी चौपन होकर दिल्ली जाएगी। संभवतः इसकी घोषणा दुर्गा पूजा से पहले कर दी जाएगी और इस संबंध में एक बार फिर रांची के सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर ट्रेन के परिचालन को प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही इस ट्रेन को दुर्गा पूजा से पहले चलाने का बात भी कहा गया है और इसी दिशा में यह प्रयास है कि यह ट्रेन दुर्गा पूजा से पहले चल भी जाएगी। अब तक राजधानी ट्रेन को पकड़ने के लिए पैसेंजरों को दूसरे रेलवे स्टेशन पर आना जाना पड़ता था। वहीं टाटा नगर और बरकाकाना ट्रेन का परिचालन जनहित में अविलंब शुरू करने की मांग पर मंत्री ने आश्वासन दिया है और इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रांची रेल मंडल के अंतर्गत पिस्का स्टेशन को विकसित और सौंदर्यकरण किए जाने को लेकर भी बात रखी गई है। हावड़ा एवं टिकियापाड़ा रेलवे स्टेशन में जल जमाव के कारण कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, जिनमें कि हावड़ा रांची स्पेशल ट्रेन के साथ साथ हावड़ा स्टेशन के स्थान पर खड़गपुर स्टेशन से 2:30 पर प्रस्थान किया। इसके अलावा हावड़ा रांची एक्सप्रेस दूसरी दिशा में हावड़ा स्टेशन के स्थान पर संतरागाछी स्टेशन से 11:15 पर रात में प्रस्थान की। तो ये था आज का डिटेल वीडियो अपडेट, जिसमें हम बात किए थे नई राजधानी ट्रेन के डिटेल्स के बारे में और इस ट्रेन का परिचालन जल्द देखने को मिलेगा, जिसके लिए रेलवे तैयारियां भी शुरू कर रही है। कैसा लगा अपडेट नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही नई ट्रेन के डिटेल्स के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।